दोस्तों इतिहास का वो दिन जब भारत चांद के बेहद करीब था लेकिन धरती से करीब 3.5 लाख किलोमीटर दूर। उस दिन चांद पर एक छोटी सी गलती ने हिंदुस्तान के सभी लोगों पर पानी फेर कर रख दिया था और वजह करोड़ों रुपए की लागत वाले इस मिशन की हमें नाकामी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इसरो इतने में रुकने वाला कहां था और महज 4 सालों के बाद ही एक बार फिर भारत चांद पर जाने को तैयार है। दोस्तों ये है चंद्रयान 3। तो आज की इस वीडियो में हम इस मिशन को डिटेल्स में जानने वाले हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 के बेस पर लॉन्च किया जा रहा है। चंद्रयान 3 से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि चंद्रयान 2 के साथ आखिर क्या हुआ था जिससे हमें चंद्रयान 3 लॉन्च करना पड़ रहा है। दरअसल 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन चांद की सरफेस से जब दूरी महज 2.1 किलोमीटर रह जाती है तो हमारे लैंडर का संपर्क टूट जाता है और फिर 20 दिनों के बाद उसका मलबा चांद की सरफेस पर देखा गया था। इस मिशन में टोटल 3 चीजें थी, एक ऑर्बिटर जो कि चांद का चक्कर लगाने वाला था और दूसरा लैंडर जो कि उसकी सरफेस पर लैंड करने वाला था और तीसरा इस लैंडर के लैंड होने के बाद इसमें से एक रोवर बाहर आता जो चांद की सरफेस पर उतरकर वहां की चीजों का पता लगाता। खैर इसमें हम कामयाब नहीं हो पाए लेकिन ऑर्बिटर जो कि आज भी चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और अपने मिशन को पूरा कर रहा है। ये मिशन चांद के जिस हिस्से पर किया गया वो चांद का साउथ पोल था जहां आज तक कोई भी मून मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दोस्तों भारत के अलावा कई और देशों ने चांद के इस हिस्से पर जाने की कोशिश की है लेकिन सबके सब नाकाम रहे, फिर चाहे वो जापान हो, चाइना हो या फिर खुद नासा ही क्यों ना हो। वहीं इंडिया का चंद्रयान 2 भले ही फेल हो गया हो लेकिन चंद्रयान 3 जो कि अब बनकर तैयार हो गया है और सतीश धवन स्पेस सेंटर पहुंच चुका है और 14 जुलाई को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि चांद के साउथ पोल पर आज तक कोई भी मून मिशन सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, तो ऐसा क्या है चांद के इस हिस्से पर कि कोई भी देश यहां तक नहीं पहुंच सका है। दोस्तों एक्सपर्ट की नजरों से देखें तो चांद के इस हिस्से पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है जिससे चांद का यह साइड अंधेरे में हमेशा डूबा रहता है और यहां का टेम्परेचर -166 डिग्री सेल्सियस रहता है और अंधेरा होने की वजह से यह भी क्लियर नहीं है कि इस साइड की सरफेस कैसी है। अंदाजे के मुताबिक यहां हाइड्रोजन काफी मात्रा में है जिससे यहां लाखों टन पानी भी जमा होने की संभावना है। इसी के साथ यहां कई इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनके मिलने से भारत के साथ साथ दुनिया की पूरी इंसानियत को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जब चंद्रयान 3 सक्सेसफुली यहाँ अपना मिशन कंप्लीट कर ले तो दोस्तों इस मिशन में इसरो को अंतरिक्ष तक ले जाने का काम LVM3 करेगा जिसे इंडिया में ही बनाया गया है और चांद पर जो लैंडर लैंड करेगा वो एक जगह पर ही रहेगा लेकिन इसके अंदर से निकलने वाला रोवर अपने 6 व्हील की मदद से चांद की सरफेस पर चलेगा और चांद के साउथ पोल के डार्क साइड से पर्दा उठाएगा। और अगर भारत ऐसा कर लेता है तो यह दुनिया का पहला देश भी बन जाएगा जो चांद के इस हिस्से पर कदम रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसरो इस लैंडर से कनेक्शन कैसे बनाता है। दोस्तों सबसे पहले इसरो इस लैंडर के लैंड होने का इंतजार करेगा और लैंड होते ही रोवर जो बाहर निकलकर इस लैंडर से कांटेक्ट करेगा जो वहां पर रहकर एक स्टेशन का काम कर रहा होगा। उसके बाद ये लैंडर अपने सिग्नल IDSN को भेजेगा। ये IDSN जो कि एक तरह के बड़े बड़े एंटेनास होते हैं जो स्पेस से कनेक्शन बनाने का काम करते हैं और फिर इस तरह से इसरो अगर सब कुछ ठीक रहा तो इतिहास बनाने में कामयाब रहेगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।